और बाकी के अंदर की दीवारें इस तरह होती है, एकदम सड़क क्लीन एंड क्लीन। आगे अगर रास्ता आपके आगे पे बताऊंगा मैं, लेकिन ये कॉन्टेक्ट पिल्ली किला के अंदर का दूसरा रास्ता है जो अंदर जाते हुए आएगा आपको पहाड़ी इलाके। जैसे कहते हैं ये रास्ता जो अंदर आएगा, कहते हैं लोग पहले रूम बने रहते, कैदियों को बंद के रखते थे, आने वाले महलों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बंद के रखते थे। अगर दीवारें पूरी होती तो और नज़र आता था, लेकिन पूरी पहाड़ की दीवारें हैं ना, आपको समझ में आएगा ये कहाँ सा पहाड़ इलाका आ गए हम लोग। नाम ही है तो कोंडापल्ली, रहेंगे पहाड़ की पल्ली। नीचे की ज़मीन अभी बनाई हुई जैसी लग रही है, पहले तो इतनी साफ़ नहीं थी, दीवारें पुरानी, सड़कें नहीं। वाह म्युनिसिपालिटी, सुना है पहले जेल होती थी, यहाँ के लोगों को पकड़ के जेल में रखे जाते थे, इसीलिए इस गली का नाम है तोपखान। चलिए देखते हैं तोपखान क्या है। ये है जेल का पीछे वाला हिस्सा, अगर चोर भागना चाहे बड़ी मुश्किल होगी, इस पहाड़ी से दूब के कैसे भागेगा। वो जो जेल के अंदर जो होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं देखिए तो ज़रूर। ये है पुरानी जेल, साले इतनी अंधेरी है, एकदम बदबूदार। उस ज़माने की जेल इस तरह थी, देख रहे हैं, सांस भी खिलना मुश्किल है, भागने के लिए चोर आसान है। एकदम दरवाज़ा आगे है, देखिए तो सही, आदमियों से ज़्यादा कोती ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि इन्हीं का तो रात चलता है। कहते हैं इनको बजरंगी भाईजान, किसके होंगे चीज़ा इसके पर। मेहमान वगैरह कम आते हैं जाते हैं, क्योंकि क्या है इन पहाड़ों में देखने के लिए, पुरानी हवेलियाँ, दीवारें पहाड़ी, मुँह में हो मूँगफली, खिलाएँगे आपको बैगन की झिल्ली। अंदर की दीवारें छोड़ के हम बाहर निकल रहे हैं, ये बच्चा बहुत नौटंकी है। बाहर जाने का रास्ता एकदम सीधा साधा है, पता चलता है कि यही वाला गली है। यहाँ से आते हम पुराने वाले महल में, जो दीवारें एशियन पेंट से नई बनाई गई है, अंदर की दीवारें और भी स्ट्रांग है। पुराना वाला सीमेंट होता तो दीवारें और भी हमारे घरों की और भी तगड़ी होती। ये वाला ऊपर से दिखता है पानी नहाने वाला, बताया था आपको रानी जी इस पर नहाती थी, इतना बड़ा तालाब। मैं ऊपर से मंजिल दिखा रहा हूँ, दोबारा आपको समझ में आ जाए। ये रहे, वाह भाई वाह। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और बाहर की मंजिल बता देता हूँ, फिनिशिंग अंडे आपको इसकी कहानी क्या है पूरी सुना ही देता हूँ। प्लान क्या है, मैप क्या है, क्या कुछ लिखा है, मैं हर चीज़ इसमें बता दूँगा। जितना जो आप कुछ बताया था मैंने, सब कुछ पूरा यही है। कोंडापल्ली किले की पूरी कहानी और दास्तान यही है, इसका जन्मदिन क्या था, कब हुआ था, ये सब कुछ इसमें लिखा है। कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, सब इस फोटो में देख के आप समझेंगे, अरे इस तरह था, इस तरह हो गया। काफ़ी जनरेशन बढ़ चुकी है, कोंडापल्ली की पूरी कहानी देख ली। शुरुआत में ये होता है, पूरे रूल्स फॉलो करना है हम लोग को, लेकिन हम तो अपना चेहरा दिखाई नहीं। देखिए किस तरह है, खाएं खाएं। आखिर में पूरी कहानी ख़त्म करता हूँ और आपको सलाम बोलता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर याद रखना पूरा, इस बार अगली बार आपको मैं किला के पूरी और दास्तान सुनाऊँगा, कुछ नया अवसर से लेकर।